अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे फेमस पाकिस्तानी एक्ट्रेस में एमन खान की, जो कि मुनीब भट्ट, अमल और मिरल के साथ आजकल मलेशिया में गई हुई हैं और वहां पर खूब एंजॉय कर रही हैं। और ये आप उनकी प्यारी प्यारी सी पिक्चर्स और वीडियोस देख रहे हैं जो कि बहुत प्यारी लग रही हैं। मजीद और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर लें लाइक और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगती है और इंजॉय करें ये इनकी प्यारी प्यारी सी पिक्चर्स। एमन खान का कहना है कि मेरी बहुत ज्यादा ख्वाहिश है कि मैं अपनी बेटियों के साथ पूरी दुनिया घूमूं, इसीलिए वो छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर अभी से ही सैर करवाती रहती हैं ताकि वो एरोप्लेन में ट्रैवल करने के लिए यूज टू हो जाए और बाहर जाकर भी तंग ना करें। इसी तरह अमल छोटी थी, वो उसको भी उसी टाइम से ले जाना शुरू हो गई थी और अब मिरल को भी ले जाती है। तो अब वो कहती है अमल जो है ना वो बिल्कुल भी तंग नहीं करती बल्कि बहुत ज्यादा इंजॉय करती है सफर में। इसी तरह मिरल को भी आदत हो जाएगी इनके साथ ट्रैवल करने की। एमन खान ने साथ साथ टिप्स भी बताई कि बच्चे प्लेन में तंग क्यों करते हैं। उसकी रीजन होती है कि बच्चों के कान बंद हो जाते हैं एरोप्लेन में। अगर उन्होंने कहा कि कोई खाली बोतल रखी जाए जिससे वो निप्पल उसका सक करें खाली बोतल से तो उनके कान खुल जाते हैं, उससे बच्चा डिस्टर्ब नहीं होता। वो बच्चों के कान बंद हो जाते हैं तो औरतें समझते पता नहीं बच्चे एरोप्लेन में रोना शुरू हो जाते हैं, तंग करते हैं, लेकिन असल वजह ये होती है कि उनके कान बंद हो जाते हैं। लेकिन वो कुछ बच्चे इतने छोटे होते हैं कि वो बता भी नहीं सकते तो फिर बच्चे रोना शुरू हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये एमन खान ने बहुत अच्छी टिप दी उन मदर के लिए जो कि ट्रैवल करती हैं एरोप्लेन में। आपको एमन खान की टिप कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, यूजफुल है या नहीं यूजफुल है, क्या आपने कभी एरोप्लेन में सफर किया है या नहीं किया या करने वाले हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर।